हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड के निकटवर्ती गांव सवराड में पूर्व सरपंच कैलाश मालवीय के नेतृत्व में सेना के मेजर व सेना के जवानों का पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। सेना के इंजीनियरिंग विंग का 22 दिन से लगातार ऑपरेशन चलाकर बोरनड़ी गांव में कुएं में मिट्टी ढहने के साथ कुएं में गिरे नरेंद्र का शव निकालने में रात दिन कार्य करने पर सवराड गाँव के पूर्व सरपंच कैलाश मालवीय, समाज सेवी नारायण लाल भाटी व ग्रामवासियों द्वारा सेना के मेजर मनीष व उनकी टीम का साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं मेजर मनीष ने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। सेना के मेजर मनीष व उनकी टीम ने 22 दिन तक बोरनड़ी में ऑपरेशन चलाकर नरेंद्र का शव किया रेस्क्यू। आज टीम वापस जोधपुर के लिए रवाना हुई। इस कार्यक्रम में मारवाड़ तहसीलदार रामलाल मीणा, विकास अधिकारी किशन सिंह, थाना अधिकारी अनिल कुमार, बोरनड़ी सरपंच धन सिंह कुंपावत, पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र सिंह गुज्जर, शेखावास सरपंच नरेंद्र सिंह, कान सिंह राजपुरोहित, माधु राम, अजय सिंह जैतावत, विजेंद्र मीणा, कनी राम, अनिल शर्मा, वीरेंद्र पुनिया, मिश्रीलाल नायक, बंसीलाल नायक सहित ग्रामवासी मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से सेना के मेजर मनीष, इनका कहना है कि पूरी मेहनत की, फिर भी 22 दिन लगे और इस पूरी कार्रवाई में मैं बहुत ही ज्यादा मदद मिली। कैलाश जी की टीम, मिश्रीलाल दिल्ली एक टीम काम करती थी, रात में एक टीम काम करती थी, हर टीम को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता था। उसके बाद जो हमारे पूरी कार्रवाई के लोग हैं, तहसीलदार जी हैं, डी डी ओ साहब हैं, एस एच ओ हैं, सरपंच जी हैं, प्रधान जी हैं, इन सब का इतना ज़्यादा योगदान रहा। और मैं बोलूँगा अगर ये लोग हमारे साथ न खड़े होते और हमारे साथ उन्होंने इतना सपोर्ट न किया होता तो शायद ये ऑपरेशन 22 में अगले 2 महीने भी खत्म नहीं हो पाता। तो लास्ट में बस दो ही मैं शब्द ये बोलूँगा कि कोई भी काम इंसान अकेला नहीं कर सकता, जब तक हर एक किसी का साथ ना हो किसी भी काम को आप पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकते। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।